Sir, it is the energy required by the valence electron to bring it to the. So it is the energy required by the nucleus to bring the electron to the outermost cell. अच्छा ठीक अच्छे बाबा very good okay so ionization energy कोई ले पहला मैंने हमें यह बुझी बा जे energy बुझी होगी ना नहीं the amount of energy that is required to remove the valency electron of an isolated gaseous atom okay जीर तो मैं ठीक कोई लो बाकी ये जो स्टेट टा मेंटेन करिया रोजी से स्टेट टा को भी मेंटेन करिवो बुझे हो जी कौन कोई ली the amount of the energy required to remove the valency electron of an isolated gaseous atom okay isolated gaseous atom of one mole of the substance कौन कोई ली पिला मैंने गुट्टे मने करो सब्सटेंस अच्छी ए जोड़े की मोरो गैस गैस स्टेट रहो अच्छी बुझे हो जी गैसियस स्टेट रहो अच्छी एवं तर अमाउंट हो जी वन मोल गुट्टे मोल रो मो पकड़े ए नामो को गुट्टे गैस अच्छी तो पिला मैंने अकुमु जितिक के एनर्जी सप्लाई करी भी जहाँ दरा ये मोरो कौन अब कैटायन रे कन्वर्ट हो जीबो बुझे हो जी कैटायन रे कन्वर्ट हो जीबो दैट प्रोसेस रे मते जितिक अमाउंट रो एनर्जी दरकार ताको मोरो कुआ जाए आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन एंथाल्पी एवरीवन क्लियर अरे बुझी हो जी तो कौन कोई ले आयोनाइजेशन एनर्जी कल कौन बुझी जो कि इटा मोनो कौन कोई ला बाबा कितनी डाउट रह लगी ओके okay mute your mic so if it is the nucleus to eta jodi mor valence cell rahila ebada jodi mor valence cell ebali bhabe rahila to valence cell re jo electron ta achi mone kara ei jagare gote electron achi to ei electron ta ku mate kon kariyar achi remove karibar achi bujhela concept chali clear ruo ei electron ta ku mate remove karibar achi jeti ki amount ra energy mate supply kariba ku padibo जेतिके अमाउंट रा एनर्जी मते सप्लाई करिवा को पड़िबो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन एंथाल्पी अच्छा पिला माने मते कहिलो मु केते अमाउंट रा एनर्जी सप्लाई करिवि सेटा कहा ऊपर डिपेंड करूची हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सप्लाई सेटा अब कहा मरे डिपेंड करूची को क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करूची जे मु केते अमाउंट रा एनर्जी सप्लाई करिवि पिला निश्चित भाव तुम देखु जगार जे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भीतर गोटे अट्रैक्शन फोर्स अच्छी ना नहीं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बुझी हो जी तो से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स को कैंसल करने डिमिन्स करने कमे मतलब जितकी अमाउंट एनर्जी दरकार कहनेसन एनर्जी कारण आम जानचे इलेक्ट्रोन और न्यूक्लियस भितर अट्रैक्शन फोर्स अच्छी न्यूक्लियस इलेक्ट्रोन को अट्रैक्ट करके रखुच्छी तो मु केते एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस रा अट्रैक्शन फोर्स रो बाहर की फ्री इलेक्ट्रॉन रे कन्वर्ट हो जइबो सो दैट आई विल गेट द आयोनाइज्ड एटम बुझे हो जी तो दिस आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुझेला कोन ऊपर डिपेंड करे फोर्स ऊपर अट्रैक्शन ऊपर से डिपेंड करे तो इठे हम एबले आबे रिलेशन ला लिखि परिबा जे आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज योर आईई दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखि दियो पिला माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिति क्वेश्चन हमें अप्रोच करिवो बुझो सेही हिसाब रे तमो बताउ जदि आयोनाइजेशन एनर्जी रे क्वेश्चन आछि संग संग देखिवो जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भितरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस मु शॉर्ट रे लिखु छी त माने फुल लेखो बुझियाला So this is the ionization energy that will directly proportional to the force of attraction between the nucleus and valency electron. ए जे समस्त बुझि पालोनी कार के जे डाउट रहू छी की कार के जे डाउट रहू छी एनीवन नो ओके देखो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिला माने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डा रहिला न्यूक्लियस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितरे अगेन दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव तो जेड इफेक्टिव बा तमरो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जते अधिक आवो सेते तमरो अट्रैक्शन फोर्स अधिक आवो जते अट्रैक्शन फोर्स अधिक आवो सेते तमरो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक आवो
तो तुम यही वाले रिलेशन टाक भी मन रखी पार जे आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दैट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज योर जेड इफेक्टिव पिला माने जेड इफेक्टिव हमें कोन जानिचे जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज अधिक रहिले जेड इफेक्टिव अधिक रहइबो जेड इफेक्टिव अधिक रहिले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक रहइबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक रहिले आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक रहइबो एही वाली भाबे रिलेशन मन रखियो कोनोसे क्वेश्चन भूल आवनी सो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नेगेटिव चार्ज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुअर शील्डिंग पुअर शील्डिंग तो मुझे ऑलरेडी कही थी शील्डिंग रा ऑर्डर कौन एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ तो डी आउ एफ सबसेल रा इलेक्ट्रॉन माने पुअर शील्डिंग शो करती जो जगह कि मोर जेड इफेक्टिव टा अधिक हुए तो तुम यही भाव मन रखी पार जे जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पुअर शील्डिंग क्लियर ऑल ऑफ यू अरे बुझी पार ना नहीं एही वाली रिलेशन को मन रखियो क्वेश्चन कर परिवो ओके आ गोटे जिनस मन रख फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द देखिले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से केमदि रिलेटेड आ गोटे पिला मन रखियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज साइज ऑफ द एटम जते बड़ा हबो सेते तमरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हबो कमी जीवो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी गले तमरा आयोनाइजेशन एनर्जी भी से जगह रे कमीबो बुझियला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज बुझियला कि नहीं नेक्स्ट पिला माने आ गोटे जिनस लेखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन electronic configuration ionization energy is directly proportional to electronic configuration sare electronic configuration apun kaam kon ela mane half filled or full filled subshell katha ame discuss karitile to jodi gote electronic configuration re half filled or full filled subshell asuchi jodi gote electronic configuration re half filled or full filled subshell asuchi then that is the stable electronic configuration तो जदि से जगह रे मोर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल टा मोर वैलेंसी सेल हुए ताले मते कोन करिया पडिवो तार स्टेबिलिटी को जेतु मते से जगह रे ब्रेक करिया को पडिवो से जगह रे मते कोन करिवा हमें अधिक एनर्जी सप्लाई करिया को पडिवो बुझि होति ना नहीं तो जदि तमरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आसी जाए देन यू हैव टू प्रोवाइड मच मोर अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी टू आइसोलेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट वैलेंसी सेल टू मेक इट ए फ्री इलेक्ट्रॉन बुझियला ना नहीं कार के डाउट की समराइज कर दबा कोन कोन कहले हमें आयोनाइजेशन एनर्जी पिलान गोटे कथा मुंडे रखियो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जते फोर्स बढ़िबो सेते मोर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़िबो फोर्स ता पुनी कहा ऊपर डिपेंड करूची इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर डिपेंड करूची ता सहित साइज ऊपर डिपेंड करूची ता सहित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऊपर डिपेंड करूची तो सही ऑर्डर ता मु कहि देली आ गोटे जिंस हला पिला माने जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर डिपेंड करूची दैट अगेन डिपेंड अपॉन द पॉजिटिव चार्ज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुअर शील्डिंग बुझियला तो एतिक जिंस मन रखियो पिला माने ग्यारंटी होउची एतिक जे आयोनाइजेशन एनर्जी रो जहा भी क्वेश्चन आसीबो तमे एई कांसेप्ट को यूज करके से जगह रे सॉल्व करि पारिबो बाकी किसी टाइप एक्सेप्शन ना ची केमिते वेरिएशन हुए आयोनाइजेशन एनर्जी से विषय ठीक है डिस्कस करिबा क्लियर है लोगी समझते हैं क्लियर आई एम आस्किंग समथिंग बेटा समझता हूँ पहुँचा ची रेस्पॉन्ड कोई की देखो वोटे जिन आगे वोटे जिन समान रखी बा जदि मरे इटा वोटे मेटल रहिला जदि इटा मरो गैसियस स्टेट रह ची जदि मुता को किसी एनर्जी प्रोवाइड करी कि एम प्लस करे देवी एम प्लस करेबी एवं से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करिवो जदि मोर गोटे मेटल एटम अछि गैसियस स्पेसिस रे जदि ताकु मु एम प्लस कन्वर्ट करू छी दैट इज योर गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन देन से जगह रे कोन होबो मते एनर्जी प्रोवाइड करिया पडिवो दैट इज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलरली व्हेन द एम प्लस विल यू गेट दैट यू हैव टू अगेन कन्वर्ट इनटू एम प्लस 2 जदि मोर गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करिकि मु एम प्लस करैली दैट इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन मु एम प्लस को एम प्लस 2 रे कन्वर्ट करैबी दैट इज कॉल्ड एज माय सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आई ई 2
पिलामने एबळ भाबे पुनी m + 2 को m + 3 रे कन्वर्ट करैबी m + 2 को m + 3 रे कन्वर्ट करैबी आई हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी IE3 आई हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी IE3 ओके तो द ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी द ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी IE3 को एनर्जी टा अधिक आसीबो IE3 मोर देन IE2 then it will be more than IE1 okay third ionization energy will be more than that of the second ionization energy than that of the first ionization energy so jete jete tamar ionization energy body body jibo that ionization energy will become more larger bujhi hoye na amount ta sete body body jibo karano jete tamar electron sankhya komuchi sete tamar attraction na badibo karano dekho pila mane yar artha kon hala jodi eta mane kara mor nucleus rahila eta mor valence electron rahila एटा मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने कर रहला एठी मोर गोटे इलेक्ट्रॉन अछि एठी आउ गोटे इलेक्ट्रॉन अछि एठी आउ गोटे इलेक्ट्रॉन अछि बुझियला भीतर सेले भी इलेक्ट्रॉन माने अछन्दि त माने कर तमे प्रथमे गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करलो फर्स्ट यू विल रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूनी पॉजिटिव कैटायन माने m+ रे कन्वर्ट हबो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करले m+ हबो त पिला माने माने कर गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हे गला त वर्तमान देखो इलेक्ट्रॉन संख्या कमी गला एटम रे इलेक्ट्रॉन संख्या कमी गला ता माने पॉजिटिव चार्ज ता बढ़िला इनडायरेक्टली जदि नेगेटिव ता कमु जी ता माने पॉजिटिव ता ता तुलना रे बढ़ि गला तो जते पॉजिटिव बढ़िवो सेते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िवो जते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िवो तमु सेते आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करिया पड़िवो बुझि होछि तो जते बेले तमे गोटे आउ गोटे सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर करिया को आसीबो माने कर ए इलेक्ट्रॉन ता बाहर करिवो सेटा मोर m+1 रु m+2 कन्वर्ट हबो एतले तमुको आहुरी अधिक एनर्जी प्रोवाइड करिया को पड़िवो बुझि होछि सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कांसेप्ट जेते जेते तमरो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़िबो सेही अनुसार तमरो आयनाइजेशन अमाउंट भी बढ़िबो आयनाइजेशन एनर्जी 1 इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी 2 देन इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी 3 मु 3 जंगे लेखु जी कारण क्वेश्चन पिला माने आज जे 3 जाई आसी जी ताटो अधिक तो पचारुनी तो एति ऑर्डरटा मन रख दबो जे आईई 1 लेस देन आईई 2 लेस देन आईई 3 तो सबुट अधिक हब आईई 3 तापर हब तमरो आईई 1 क्लियर कार के जी डाउट Anyone having any doubt? No. Okay, beta. Dekho next jiba. Bortman dekhiba. What is the variation of ionization energy in a group and in a period? What is the variation of ionization energy in a particular group and in a particular period? The prathame group re dekhiba. Bujhu ji, prathame group re dekhiba ionization energy ra kon ghatana hoye sethi. तो पिला माने जदी ग्रुप को तमे देखिबो आयनाइजेशन एनर्जी जदी पीरियडिसिटी टा बा ट्रेंड टा तमे जदी लक्ष्य करिवो ताले डाउन द ग्रुप तमको मु कहितली डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव कोन वे जदी मु गोटे डाउन द ग्रुप को जाए ऊपर तळ को जदी गोटे ग्रुप रे गली ताले मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टा कोन वे के कहि परिवो रेडियस रे बतैथिली कमे डिक्रीजेस जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस ना रिमेंस कांस्टेंट सर डिक्रीजेस जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस कांस्टेंट कौन पिला माने डिक्रीजेस के को उठी एमती को को एबे पिला माने ठीक कहले एटा पढिबो ना ओ केते दिन एग्जाम रहला ये कोन बोर्ड एग्जाम हे जी टाइम अछि तमरा 15 दिन की 16 दिन यो समय नै एते कम में 15 दिन कोन ताटू कम टाइम आउर अछि त तमे सेना पढिबो न पढले केम देबो देखो जेड इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट डाउन द ग्रुप इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट पिला माने एही कांसेप्ट रे तमको सिखैले जे कोनो से क्वेश्चन तमे करि परिबो कांसेप्ट को यूज करिके ना बुझि परचना नै तो एही हिसाब रे मन रखो क्वेश्चन करिया को सहज होबो डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट अच्छा सर कहले जेड इफेक्टिव ता कांस्टेंट रहे अच्छा ठीक अछि आउ कोन होए डाउन द ग्रुप साइज ता कोन होए बढे ना कमे साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस increases size of the atom increases very good acha theek hela sir aidi ta koi dela amaro acha pila mane bartaman ame padhile ionization energy ro relation ionization energy directly proportional to force of attraction again depends upon different factors one gude factor upare depend korthula to sei jagare dekhile ame ionization energy inversely proportional to size se ta inversely proportional and it is also directly proportional to z effective
तो पिला माने एठी तो डाउन द ग्रुप रे जेड इफेक्टिव ता तो कांस्टेंट बढ़ूनी कि कमूनी तो सेति पई आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर यार कोनोसी इफेक्ट रहइबो नाही जेड इफेक्टिव रो बाकी के रही गला साइज बाकी के रही गला बुझियो छि नै साइज रही गला तो इटा हो जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज आयोनाइजेशन एनर्जी ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज तो साइज जते बढ़िबो आयोनाइजेशन एनर्जी ता कमीबो ना बढ़िबो कमीबो साइज ता जते बढ़िबो कमीबो बुझियो समस्त बुझि पर कमीबो तो पिला माने डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बा आयोनाइजेशन एनर्जी ता कोन हो कमीबो कोन हो को वेरी गुड आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो एक्सेप्शन कथा हम कहि देबी जोडा तुम करियो पड़िबो किंतु जनरल ट्रेंड ता मन रखो जे आयोनाइजेशन एनर्जी बा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ता डिक्रीज करे बुझियाला पिला माने गुट्टे जगह रे पिला माने एक्सेप्शन देखाए को जगह रे एक्सेप्शन देखाए गुट्टे जगह रे पिला तुम एक्सेप्शन देखाए सेरा मेरे डिस्कस करिबा एक्सेप्शन ता तमरो क्वेश्चन आसे बहुत बार क्वेश्चन पड़ी सच बुझियो छी कोन से एक्सेप्शन ता पिला माने एक्सेप्शन तमरो देखाए ग्रुप 13 रे को ग्रुप 13 रे अच्छा पिला माने कहलो ग्रुप 13 रे सब एलिमेंट उडा के जल्दी फास्ट ग्रुप 13 रे एलिमेंट्स के रहिबे बोरोन तमन लेट कोच बोरोन तापरे एल्युमिनियम यस वेरी गुड बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम इंडियम एंड थालियम ये तो ठीक तो सर ठीक लिख ले तो अच्छा तो पिला माने अच्छा कहिलो बटो एंड डाला ग्रुप 13 ग्रुप 13 रो आयोनाइजेशन एनर्जी रो नॉर्मल ऑर्डर ता कोन हिथांदा मु कोन कहली डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ता माने सबुट अधिक आइथांदा बोरो आ सबुट कम आइथांदा थालियम रो बुझियो जी सबुट अधिक आइथांदा बोरोन रो तापरे कम आइथांदा थालियम रो तो लिखि दबा ऑर्डर ता टिके लिखि दबा देखो आगे आसीबो के बोरोन तापरे आसीबो मोर एल्युमिनियम तापरे मोर गैलियम तापरे आसीबो मोर थालियम एई ऑर्डर ता कथा जनरल ट्रेंड रे बुझियो छि ना नै अरे बुझियाला तो यस सर अच्छा सर एक्सेप्शन ताले कोन रहला पिला माने एक्सेप्शन होउची एई जगह रे एल्युमिनियम आ गैलियम भितरे इंडियम आ थालियम भितरे कोन हबो ना गैलियम ता एई जगह को आसीबो एल्युमिनियम पाखु को एल्युमिनियम जगह टा गैलियम अधिकार करिवो गैलियम रो जगह टा को एल्युमिनियम नबो के बुझि पालानी गैलियम रो जगाटा को एल्युमिनियम नबा एल्युमिनियम पछु को पळेबो गैलियम टा आगु को पळे आसीबो सेम दे एटी इंडियम टा पछु को पळे थालियम टा आगु को पळे आसीबो सेम टा आरोमा देखु दाओ गैलियम टा एल्युमिनियम जगा को आसीबो एल्युमिनियम टा गैलियम जगा को जीवो थालियम टा इंडियम जगा को आसीबो इंडियम टा थालियम जगा को जीवो आगे लिखि दे ऑर्डर टा लिखि दे तापर कॉस्ट टा कहू जे काई के होची कोन हला जनरल ऑर्डर टा बे निजे को जनरल ऑर्डर कोन होबो बिका को एक्सेप्शन सहित कहले कोन होबो बोरोन यदि एक्सेप्शन को कंसीडर करा जाए ताले कोन बोरोन ग्रेटर देन गैलियम हां बोरोन ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम एल्युमिनियम ग्रेटर देन देन थालियम थालियम क्वेसिबो थालियम ग्रेटर देन इंडियम ओके एटा हला तमरो एक्सेप्शन ऑर्डर टा अच्छा सर काहे की वर्तमान नाम कोंदु गैलियम टा एल्युमिनियम रो काई के अधिक आला आमे देखिले ना गैलियम एल्युमिनियम टो अधिक आउची किंतु हेबा कथा कोन एल्युमिनियम टा अधिक आथा गैलियम टु तो सर एटा काई के आला पिला माने जदी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को तमे लक्ष्य करिवो तो गैलियम रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे 3d10 आसी जे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिवो से जानि परिवो बुझियो जी तो गैलियम रो जे तमे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिवो देखिवो तमार 3d10 आसुची तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रे एवं एल्युमिनियम रो तमा से जगह आसीबो H2P3 बुझि होची ना नहीं अरे ठीक होची बुझी परसो ना नहीं बुझियला एल्युमिनियम रो अच्छा ओटा ठीक होची एकातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर दो अच्छा कहिले एल्युमिनियम रो एटॉमिक नंबर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम 13 13 13 श्योर तो 13 यस सर ओके 13 पिला माने कहले सर एटॉमिक नंबर 13 पिला माने जेमिति इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिखैथिले सेमिति कहलो कोन होबो
कौन लिखी हीलियम नियन आर्गन ना कहा कौन लिखी कहो जेम सिखे दिली एटा का का भीतर आसुची न्यून 10 18 वेरी गुड 10 18 भीतर आसुची ता माने नियन आर्गन भीतर आसुची तो नियन को आगे लिखि देबी एठी नियन को लिखि देली बुझेला नियन रे मोर तोटा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गला बाकी रह गला केतरा इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वर्तमान एटा होची मोर को सीरियल रो हीलियम नियन 2 नंबर सीरियल रे 10टा इलेक्ट्रॉन 3 नंबर तो आरंभ होबो लिखि दे बाबा 3s2 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 then 3p 3s2 then you have to go to 3p subcell bujhiu jena nai kahi ki karan n minus 2 f to it hobo ni n minus 1 d to hobo ni direct tumko p ku jiba ko padibo so 3s2 3p1 samaste bujhi pala na bujhi pala ni any problem नेक्स्ट पिला माने चला का पाको को गैलियम गैलियम रो केते हबो को एटॉमिक नंबर केते 31 गैलियम रो पिला माने कोइला हमरो 31 ओके 30 करिबा गैलियम रो 31 को का का भीतर आछी नंबर ता का भीतर आछी नोबल गैस रो एटॉमिक नंबर भीतर का नंबर भीतर आछी आर्गन ओके 210 ओके 210 1836 ता माने 1836 भीतर आछी ओके तो आर्गन रे आसु जेटा आर्गन को आगे देखा हां आर्गन रे मोर केतरा इलेक्ट्रॉन चली गला 18 टा वर्तमान 31 माइनस 18 करी दे केते बळिला 11 ठीक तो 11 टा इलेक्ट्रॉन ठीक अछि 13 ठीक लिखि छी 13 टा इलेक्ट्रॉन वेरी गुड बस एक्टिव रहइबो ना आउ सर भूल लिख देले अच्छा 13 तो मो पकर 13 टा इलेक्ट्रॉन रहिला 13 टा इलेक्ट्रॉन मो पकर रहिला आर्गन 18 और लास्ट 13 इलेक्ट्रॉन्स तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करिबा हीलियम नियन आर्गन आर्गन टा होची 3 नंबर सीरियल रो ता माने मोर 4 नंबर स्टार्ट होबो लेके 4s2 4s पर के आसीबो n-2f n-2f तो नाही एठी तो ऑलरेडी n minus 1 d को जीबा तो 4 minus 1 माने 3 तो 3d दियो सही 3d लेके 4s2 गला तो बगैर 2 टा इलेक्ट्रॉन पड़ेला आ वो छे 11 टा इलेक्ट्रॉन एटी 10 टा मैक्सिमम नहीं परिबो पके दे 10 टा इलेक्ट्रॉन सो 3d10 4s2 3d10 देन कोन होबो 4p1 के बुझी पालानी 4s2 3d10 4p1 कार बुझेलानी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिक बुझौ छी नल सेंदी पढै थांदी त काल डाउट हो बोली एतन गोटे बुझै दी जाउ छी रे कार बुझेलानी को 4p1 केमती हला यस सर तदे तळे ऑर्डर सिखै थिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोन कोइतला जगह रे आगे ns फिल अप हबो तापर n - 2 f हबो तो नथिलु ई क्लास रे जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्लास रे थिलु तो हां असे जे कोइ नथिली n-2f n-1d तापर p तो आगे s को जीवो इलेक्ट्रॉन तापर f को यदि f नहीं तापर d को जीवो यदि d नहीं तापर p को जीवो त दै बळे ऑर्डर सिखाय नथिला सिखाय थिली बा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केमदि सहज रे कैलकुलेट करियो सिखाय थिला ns n-2f n-1d np अरे बुझी पाल सही पई तमर जेहेतु सेटा गोटे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गैलियम रो रहूची तो सेथी पई गोटे इलेक्ट्रॉन ता भितरु बाहर करिवा बहुत कष्ट बुझियो जे नै जेहेतु से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करूची तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहूची तो सेथी पई तार आयनेशन एनर्जी टिके अधिक आसे बुझियो जे तो एटा हला तमर एक्सेप्शन इन केस ऑफ योर गैलियम एंड एल्युमिनियम सेमिति थालियम और इंडियम रे करि परिवो थालियम रे पिला माने खाली कहि दू हां थालियम रे हमरा कोन होची ना 4f14 रहूची थालियम रे हमरा 4f14 रहूची सेति पे से जगह रे हमरा आयनेशन एनर्जी ता अधिक आछी ध्यान दे ऑफ द इंडियम बुझियला कार के जे डाउट निजे करि परिबो एम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करि के चेक करि परिबो सर ओके काई ना पिला मंडी जल्दी जाऊ पड़िबो ना बुझियो जी नहले तमनगर लेट हबो देखो पीरियड को जीवा ये गला ग्रुप रे सिखै देली डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस काहे की डिक्रीज करते देखिलो
काहेकि ना जेड इफेक्टिव रिमेन्स कॉन्स्टेंट साइज ता बढ़ुची साइज बढ़िले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमिबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमिले आयोनाइजेशन एनर्जी भी कमिबो एक्सेप्शन देखि देलो ग्रुप 13 रो छि काहेकि होजी सेटा भी जानलो नेक्स्ट जेवा पीरियड को अच्छा पिला माने मते पीरियड रे तमरो इफेक्टिव ता कोन हुए पीरियड रे तमरो इफेक्टिव ता कोन हुए कुआ पीरियड रे जेड इफेक्टिव ता कोन हुए अलोंग द पीरियड बढ़े इंक्रीज करे पिला माने इंक्रीज ता को मु अपवर्ड एरो मार्क रे देखौ छी हां जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अच्छा पिला माने वर्तमान को मते मु कोन कहिथिली आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव तो जेड इफेक्टिव बढ़िले आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़िबो तो जेहेतु जेड इफेक्टिव बढ़ुची ताले आयोनाइजेशन एनर्जी ता कोन होबो अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड कोन होबो इंक्रीज करिबो जदि तुम एमदी जाउचो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड रो पीरियोडिक टेबल को आयोनाइजेशन एनर्जी ता इंक्रीज करिवो बुझियाला अरे बुझी पालो अच्छा पिला माने एई जगह रे तमरा केतना एक्सेप्शन अछि से एक्सेप्शन ओडा उठि देखिबा हला नोट करो ताकू नोट कर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कंसर्न ओडा को नोट करो कोन प्रथमे देखिबा पिला माने सेकंड पीरियड अच्छा पिला माने सेकंड पीरियड रो एलिमेंट गुडा ऑर्डर कहि जालो मु लेखि जेबि सेकंड पीरियड रो एलिमेंट मान रो ऑर्डर गुडा मते कहि चालो मु लेखिबि कोन हबो लिथियम बेरिलियम सेकंड पीरियड वेरी गुड लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन ओके तो जदि ए बढ़िया हला ताले आयोनाइजेशन एनर्जी सबुट अधिया कार हवा कथा नियन कोन करला हमें अलोंग द पीरियड पर इंक्रीजेस धीरे धीरे इंक्रीज करी करी जीवो तो सबुट अधिया कार हबो कार अधिक हबो नियन रो तापर ए बढ़िया आसीबो लाइक दिस द ऑर्डर विल बी लाइक दिस lithium then beryllium then boron then carbon then nitrogen then oxygen then fluorine then neon e order heba kotha na heba kotha nu this is the normal order or not okay so there will be some exception pila mane kichi ta exception achi sei exception wala ko ame dekhiba kon exception ko jaga re achi particularly pila mane tomar beryllium aur boron भलसा मन रख बेरिलियम एंड बोरोन देयर विल बी योर एक्सेप्शन बेरिलियम बोरोन रे तमर एक्सेप्शन देखेबो आउ कोडी देखेबो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रे तमर एक्सेप्शन देखेबो बेरिलियम आ बोरोन रे एक्सेप्शन देखेबो एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रे तमर एक्सेप्शन देखेबो ओके काहे की देखेबो पिला माने जदि तमे कॉन्फिगरेशन देखियो सबुरो रोल हला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जोडा रहिला दैट प्लेस द इंपोर्टेंट रोल इन द आयोनाइजेशन एनर्जी तो बेरिलियम रो जदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आमे देखिबा देन इट विल बी टिके रुओ तळगुनी आसेबा को कलर चेंज करिबा पिला माने बेरिलियम रो जदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तमे देखिबो तो तमरे जगह रे आसीबो s2 कोन आसीबो s2 बुझियाला सॉरी s2 इटी बोल लिख देली अच्छा देखो s2 एडा मु सबस्क्रिप्ट रे लिख देली जगह नथला उपरे तो बोरोन रे आसीबो मोर p1 बोरोन रे आसीबो मोर p1 ना लेखो रो बेरिलियम बोरोन जदि पिला सिनी बुझी पर नंदी तले गोटे काम करिया बेरिलियम रो बोरोन रो नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्ट लिखि देबा को मते बेरिलियम रो एटॉमिक नंबर को जल्दी जल्दी 4 केता हो बेरिलियम रो एटॉमिक नंबर 4 4 तो ओके कॉन्फिगरेशन बना कोन हो कॉन्फिगरेशन बना हीलियम नियॉन आर्गन का भीतर रहू जी 2 10 भीतर बुझियो जी ना 2 और 10 भीतर रहला तो कोन हबो हीलियम देन 2s 2s2 अरे ठीक ना नहीं बुझी अरे बुझी पा तो ना बुझी पा ना म यस सर बुझी पा तो सर हीलियम 2s2 तापर कोन हला करै बोरोन रो को मत एटॉमिक नंबर केते 5 तो यार कौन होगा एट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हीलियम 2s2 2p1 हीलियम 2s2 2p1 ठीक ना नहीं यस सर
अच्छा ताले बर्तमान मते कह यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रे वैलेंस शेल रहला हमरो 2p यार वैलेंस शेल रहला हमरो p वैलेंस शेल मोर रहला 2s तो मर्तमान मते कह 2p सब सेल रु p सब सेल रु इलेक्ट्रॉन डा एठी काढिबाटा इजी हबो ना एठी s सब सेल रु इलेक्ट्रॉन डा काढिबाटा इजी हबो को जगह रे मते एनर्जी डा कम दबाव पडिबो जल्दी इलेक्ट्रॉन डा इजीली बाहर जिवो p पे एनर्जी अधिक लगे ना कम लगे कम कम लगे कहीं अलरेडी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी किंतु ए जगह रे मोर फुलफिल स्टेट रे मोर रही जाउची एस पाखरे ऑलरेडी तारा मैक्सिमम दीटा इलेक्ट्रॉन रहबा कथा तो दीटा इलेक्ट्रॉन अछि तो ता पाखरे इलेक्ट्रॉन काढिया अपेक्षा ए पी पाखरे इलेक्ट्रॉन काढि देबाटा सहज कारण या पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि बुझियो जी तो सेथि पई कोन हुए जोडे तमर नॉर्मल ऑर्डर तमे देखिलो नॉर्मल ऑर्डर रे कोन होतला बोल्टा कम होतला ना सॉरी बेरिलियमटा तमर कम होतला बोरॉन टू बेरिलियमटा बोरॉन टू तमर कम हो किंतु ऑर्डरटा उल्टा हे जीवो कोन हे जीवो बोरोनटा पछु पळे आसो बेरिलियमटा आगु पळेबो कोन हे जीवो बोरोनटा आगु आसो बेरिलियमटा पछु पळेबो तोळे ऑर्डर हे जीवो कार के जी डाउट बोरोन एठी गासिला बेरिलियम एठी गला एनी डाउट नेक्स्ट का कहिथिली देखिया पई नाइट्रोजन आ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर को केते 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिबा कोन हबो हीलियम 2s2 2p3 केता हबो 3 अच्छा ऑक्सीजन को केता हबो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर केते 8 ओके ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 हीलियम 2p4 का डाउट रह लगी 2p4 2s2 2p4 ठीक अछि अच्छा पिला माने वर्तमान मते को वैलेंस शेल एडी के हु इज द वैलेंस शेल नाइट्रोजन ने के मोर 2p ऑक्सीजन ने भी मोर ला 2p किंतु एठी पिला माने तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि एठी पिला माने चारटा इलेक्ट्रॉन अछि ताले वर्तमान देखो पिला माने 2p रे जोटी तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि नाइट्रोजन पाखरे ऑलरेडी मोर 2p रे मोर तीनटा ऑर्बिटल तो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि दैट मींस दिस इज द हाफ फिल्ड दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन अरे बुझी हो ना बुझी पन्न के दिस इज योर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन किंतु ए जगह रे मोर कोन हो इलेक्ट्रॉन डा 1 2 3 तो एठी रहला तमरो दीदीटा सॉरी 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 कोन हला चारटा रोखला ना चारटा रोखला चारटा रोखला एठी दीदीटा आसीबोनी एठी दीदीटा आसीबोनी एठी गोटे गोटे रहबो फास्ट दीदीटा रहबो बुझी पालो त ए मानक भीतर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोउटा p3 ना नाइट्रोजन p3 अच्छा p3 मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ता माने तमगु एठु इलेक्ट्रॉन काढिबाटा कष्ट होबो एठु इलेक्ट्रॉन काढिबाटा सहज कारण एटा हाफ फील्ड मु कहिथिली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दउ जे स्टेबल त पिला माने ऑर्डरटा कोन होबो नाइट्रोजनटा अधिक आउथला काठु सॉरी नाइट्रोजनटा कम आउथला काठु ऑक्सीजन उल्टा आइ जइबो ऑक्सीजन पछु आइसिबो नाइट्रोजन आगल जइबो बुझियो जी सो नाइट्रोजन आगु चल जइबो कोन हे जो ऑर्डरटा ऑक्सीजन ले नाइट्रोजन एबे कहिलो मोर नॉर्मल ऑर्डर टा फोनि सजेय लिखि दबा आगे आस्तला लिथम तापरे बोरोन तापर हेलियम तापर हबो कार्बन तापर हबो ऑक्सीजन तापर नाइट्रोजन तापर हबो फिन तापर नियम कार किछ डाउट रहले ऑर्डर रे दिस इज द नॉर्मल जनरल ऑर्डर हमर रहला सजेय के हमें लिखले एक्सेप्शन सहित एनीवन कारगे जी डाउट रहले जी पछरा आगु जी भी नले टाइम नियो नी नो सर नो सर नो सर ओके नेक्स्ट देखिवा पिला माने टाइम अछि त हमरो हां टाइम अछि तो एटा ला तमरो ऑर्डर तापरे जीबा हमें अच्छा जदी तमगु एमदी जदी थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड रे जदी दिया जाए ताल तमे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करी करि परिबो ना करि परिबो नी आसीबो जदी एमदी क्वेश्चन आसीला ताले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करी करि परिबो
हेई परिबो पर्टिकुलरली कोडी कोडी मोर एक्सेप्शन रहउची बोरोन आ बेरिलियम पाखे रहिला बुझियो जी बोरोन आ बेरिलियम पाखे रहिला तापर कार्बो हमर ऑक्सीजन आ नाइट्रोजन पाखे रहउची तो पर्टिकुलरली एई दिटा ग्रुप को सब चेक करिवो से जगह तुम एक्सेप्शन देखेबो तुम बुझिले ना ना आसीबो करि परिबो जीवा नेक्स्ट ओके सी एटा पिला मन थिला तमरो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी एबे देखिबा सेकंड आयनेशन एनर्जी सर सेकंड आयनेशन एनर्जी माने कोन पिला माने ऑलरेडी गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर सारी छि तमकु आउट इलेक्ट्रॉन बाहर करिवार अछि बुझैला तो जो ऑर्डरटा में देखि दिले सेही ऑर्डरटा को आउथरे देखिबा जो ऑर्डरटा को हम देखि दिले सेही ऑर्डरटा को आउथरे देखिबा बुझैला लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन आ नियॉन तो पर्टिकुलरली सेही ऑर्डरटा को आउथरे टिके भलसे देखिबा जे कोन प्रॉब्लम रहउ छि को जगह रे कोन अलगा आसु छि बुझैला तो पिला माने सेकंड आयनेशन पोटेंशियल हमरो कोन होबो मु लिखि दउ जे ऑर्डर टाके लिखि दउ जे ठीक करिके ना एटा होजी तो करेक्ट ऑर्डर विथ एक्सेप्शन बेरिलियम आगे आसीबो देन कार्बन आसीबो देन बोरोन आसीबो देन तमरो नाइट्रोजन आसीबो देन तमरो फ्लोरीन आसीबो देन आसीबो तमरो ऑक्सीजन देन आसीबो तमरो नियॉन देन आसीबो तमरो लास्ट को आसीबो कि लिथियम अरे बुझिलो ना नहीं ये होस तमरो सेकंड आयनेशन एनर्जी पिला माने एटा ठीक से जानिया पे गोटे काम करियो पड़िवो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखियो पड़िवो त माने केम दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिवो देखो माने करो वर्तमान मु गोटे का पे गोटे लिखिबे को एमान भीतर का पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिबे सेकंड आयनेशन एनर्जी पे तो माने निजे चूज करो कोडा लिखिबा को एनीवन गोटे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर सारी छे सेकंड इलेक्ट्रॉन पे हमको लिखिवार अछि को लेट नियॉन लिथियम पे करबा लिथियम पे ओके लिथियम पे करबा काईना सेटा सबुड अधिक आउ तो काई गोजी देखिबा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम अच्छा मते कह लिथियम रा एटॉमिक नंबर केते यस 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोन आबो हीलियम 2s1 ए तो हेबा कथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम 2s1 तो प्रथमे तमे आयनाइज करलो एको कोन करलो प्रथमे तको आयनेशन करलो तो प्रोवाइड करलो आयनेशन एनर्जी 1 तो कोन होबो एई इलेक्ट्रॉनटा पळेबो प्रथम आयनेशन रे इलेक्ट्रॉनटा लूज हेई जिवो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोन हेई जिवो खाली हीलियम पिला मन जेतेबेले तमे सेकंड करिवो सेतेबेले तमकु एई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम रो इलेक्ट्रॉन काढिया को पडिवो सेति पई तमरा सेकंड आयनेशन एनर्जी टारे लिथियम टा अधिक आसीबो ये बुझि पालानी को काहे कि सेकंड आयनेशन एनर्जी रे लिथियम अधिक आसी बुझि पालाना बुझि पालानी काहे कि ना ऑलरेडी गोटे इलेक्ट्रॉन चली गला गोटे इलेक्ट्रॉन पळया पळे मोर एठी न्यूक्लियस जोटा रहउची हीलियम रो सेटा मोर मोर स्टेबल कारण ऑलरेडी एटा ओटा स्टेबल स्टेट रे जेतु एटा ओटा नोबल गैस ऑलरेडी स्टेट रे स्टेबल सेट रे अछि तो नोबल गैस रो इलेक्ट्रॉन बाहर करयाटा अत्यंत कष्ट बुझि होची तो सेति में लिथियम रो अधिक आसीला कारो किछ डाउट अरे पिला माने बाउंस होउ छी के किछ कहू न भाउ जी मतलब लागो जे बुझि पर न बदे नो वन सेइंग एनीथिंग बुझि होउ नि की देखो आ गुडे करिबा नियॉन पे माने करो करिबा नियॉन पे काहे की कमी गला टिक देखो नियॉन पे नियॉन त हमर नोबल गैस तो पिला माने नियॉन रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोन 10 कोन हबो 1s2 मोटे डायरेक्ट लिख दउ छी 1s2 2s2 2p6 ए तो नियॉन एटॉमिक नंबर केते की 10 10 बुझियो जी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 बुझेला 2s2 2p6 तो जेहेतु एटा हला हमर नियॉन रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो जदी हमें गोटे इलेक्ट्रॉन निकालिबा बाहर करिबा एटु आयनेशन एनर्जी 1 हो सेटा हमर तो सेटा हमें कोड बाहर करिबा वैलेंस शेल रो तो एटी मोर वैलेंस शेल हला के 2p तो 2p रो इलेक्ट्रॉन डा बाहर करिबा बुझियो जे 2p रो इलेक्ट्रॉन डा बाहर करिबा तो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करिबा अत्यंत कष्ट सेति पई देखिले हमें जेतला आयनेशन एनर्जी फास्ट ऑर्डर लिखिले सेते बेले हमर नियॉन रो सबुड अधिक आस्तला नियॉन रो सबुड अधिक आस्तला बुझियो जी तो सेति पई गोटे इलेक्ट्रॉन मन करा में बाहर कर देले त
तापर हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोन हे जीवो 1s2 2s2 2p5 तो पिला माने एबे कहिलो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कला बेले p5 रो इलेक्ट्रॉन डा काढीबाटा सहज होवन हबनी सहज हबो यस सर बुझिलो तो एही वळिया पिला माने एही वळिया तमे सब रिलेट करी करिवार तो कोन दरकार कोन कहिथिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जदी भल से सिखि गलु अधा पीरियोडिक टेबल तू निजे कर दबो ठीक ना नै एबे लक्ष्य कला तो मु कोन करछि खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके चेक करौछि आउ किछि नुवा जिंस करछि कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो जते देखिलो तमे निजे जानि परिवो जे को जगह रो इलेक्ट्रॉन डा बाहरिबाटा सहज हो को जगह रो इलेक्ट्रॉन बाहरिबाटा कष्ट हो तो से अनुसार ऑर्डर लिखिबो आउ कोन प्रॉब्लम कोन आगु जेबा आउ सब निजे करि परिवो मु ऑर्डर टा लिखै देली जो ऑर्डर टा लिखैली सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी रो सेटा होस तमरो करेक्ट ऑर्डर जदि मने रखि परिवो तो बेटर जदि मने न रहउजी ताले इलेक्ट्रॉन जते बेले आयनाइजेशन एनर्जी रो क्वेश्चन एग्जाम रे पकेइजी संगे संगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके चेक कर दबो क्लियर यस सर ओके तो पिला माने वर्तमान देखिबा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस बुझियो जी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयंस तो पिला माने आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल ऑफ आयंस हमें केम देखिबा पिला माने हमें जानि छे आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट तो तुम गल कहि छी जे जेड इफेक्टिव टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज जते पॉजिटिव अधिक हो सेते तमरो जेड इफेक्ट अधिक हो जेड इफेक्ट अधिक आले आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक हो जते तम नेगेटिव चार्ज अधिक रहबो सेते तम जेड इफेक्ट कमी जीवो जेड इफेक्ट कमी गले आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कमी जीवो तो सब रिलेशन तमको दे दिया जाय तो जदि हमें ए रिलेशन को कंसीडर करिबा ता माने मोर कैटायन रो अधिक आबो ठीक आबो ना नै एम प्लस अधिक आबो देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम दैट ऑफ द m m m m m m m m greater than Yes. No one. किसी पच्चर भी इंतज़ार पड़े ही जीवित हो? कहीं तो किसी को हूँ ना? हम पच्चर भी कहेंगे। तमन समझ तो बुझो ना बुझो ना। Yes sir. Okay. Question दिते ना पच्चर जी को। Sodium plus अच्छी है वो sodium। Sodium plus दे चाहे sodium दे चाहे कहाँ रहो दिका? सोडियम प्लस देची आउ सोडियम देची तो कहार आयनाइजेशन पोटेंशियल अधिक आबो सोडियम प्लस सोडियम प्लस वेरी गुड बुझे ना एई बोली करिवो आ गोटे पचारीबा सीएल माइनस देची सीएल देची कहार अधिक आ सीएल सीएल वेरी गुड सीएल रो नेक्स्ट पिला माने आ गोटे देखिबा बेरिलियम बोरोन कार्बन दे छी माने करो बेरिलियम दे छी बोरोन छी कार्बन दे छी तो कहार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आसीबो जो सॉरी हमर आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर कोन हो बेरिलियम बोरोन और कार्बन भितरे पिला माने आयनाइजेशन एनर्जी तरह छोट छोट दो जित संगे संगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक कर दो मन रखे दरकार नै इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिख परिबो समझते बेरिलियम रो कोन हो 1s2 2s2 1s2 2s2 बेरिलियम बोरोन हो 1s2 2s2 2p1 एटा सेम रहइबो तापर 2p1 हे जइबो एक्स्ट्रा आ कोन हबो कार्बन 1s2 2s2 2p2 2p2 पिला मन टिके वेट करो टिके वेट गोटे कॉल डा आछ त टिके चेक करिबा
हेलो करो कौन डिस्कस करते पे मैंने बेरिलियम बोरन और कार्बन भीतर डिस्कस करते बेरिलियम बोरन और कार्बन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समस्त देख ल एडी कोन आस्तला 1s2 2s2 1s2 2s2 बेर बोरन रे कोन आला 1s2 2s2 2p1 ए जगह रे कोन आस्तला लास्ट रे एडी 1s2 2s2 2p2 ए आस्तला 1s2 2s2 2p2 एबे मते को कोउ जगह रे इलेक्ट्रॉन डा बाहर करबा इजी हबो कोउ जगह रे इलेक्ट्रॉन डा बाहर करबा इजी हबनी सबु तक तो वैलेंस सेल जानि छ वैलेंस सेल प्रथमे रहला कि रो हम कलर चेंज कर जी एठो रहला मोर एस एठो रहला मोर 2 एठो रहला मोर पी तो 2s रे मोर दीटा 2p रे गोटे 2 दीटा तो तमे निजे को कोउ जगह रो इलेक्ट्रॉन डा काढीबाटा इजी होबो फर्स्ट फर्स्ट 2p सबुट अधिक काढी होबो सबुट एनर्जी का पे अधिक दरकार 2s2 2s2 वेरी गुड 2s2 तापर 2p1 वेरी गुड ताप बस तो ऑर्डर कौन हबो आगे के आसीबो बेरिलियम तापर के आसीबो सॉरी हमर बेरिलियम रे सबुट अधिक आबो माने बेरिलियम सबुट अधिक रहला तापर बोरन बोरन बस देन कार्बन बुझियाला यस सर एमदी करिवो कोन अच्छा ये गला तमार गोटे टाइप रो क्वेश्चन पिला माने आउटे टाइप रो पचारिबो क्वेश्चन तमको आयनाइजेशन पोटेंशियल देई दबो आयोनेशन पोटेंशियल दे दीजो फर्स्ट क्लास रे क्वेश्चन मने अछि कहिदिली जे पिला माने एटा तमरो पीरियोडिक टेबल पढेला बळु कहिबी तमो गोटे क्वेश्चन डिस्कस करौथिली एटॉमिक स्ट्रक्चर रो तमरो गोटे आयोनेशन पोटेंशियल रो क्वेश्चन आसीथिला त माने कि गोटे मते को जेटे गोटे आंसर कोउला मते किनो मु कहिली एटा मो पीरियोडिक टेबल पढेला बळे तमो सते डिस्कस करबी कहिदिल ना कहिनथिली यस सर गोटे आयोनेशन पोटेंशियल दे दबो आयोनेशन सेल केम दबो ना मने कर आयोनेशन पोटेंशियल 1 2 3 4 4 5 एंदी मन कर देई छी आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 4 5 सो एटी 1 पाई मोर रहइबो केते 20 2 पाई रहइबो मोर 30 3 पाई मोर रहइबो 40 4 पाई मोर रहइबो 80 5 पाई मोर रहइबो 100 एटा मोर कोन देई छी आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू दे देई छी जूल रे एटा हे जे छी मोर 20 2 पाई होछी मोर 30 3 पई होची मोर 40 4 पई होची मोर 80 5 पई होची मोर 100 ए वाला क्वेश्चन गोटे करैथिली बदर स्ट्रक्चर बॉटम रे जे मोर क्लास करथिवो से जानिथिवो स्ट्रक्चर बॉटम रे गोटे क्वेश्चन एमते आसी जाइथला मु कहिथिले एडा स्किप कर बोली ओके तो पिला माने पचारिबो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते हबो पचारि दिए एमते क्वेश्चन तो जदी एमते आयनेशन पोटेंशियल रो ऑर्डर दे दैथिवो एवं तार एनर्जी रो वैल्यू जदी दे दैथिवो ताल तमे केमिति बाहर करिवो कोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन चेक करिवो जे को जगह रे आयोनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ता अधिक आछि अच्छा मते कहिला आयोनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ता कोठी अधिक आछि 3 टू 4 3 और 4 भीतर 3 अछि और भीतर डिफरेंस एडी 40 अछि एठी मोर 80 अछि बुझियला 40 आ 80 अछि ताले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ता पिला माने तमर जोटा लोअर लोअर नंबर जोटा लोअर ऑर्डर ता सेटा को नबो तो केते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते हो को अरे कोउ ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोटा आबो तंबा कहली 3 नंबर टा को नली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते हो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 को ग्रुप रो थाए ग्रुप 30 ग्रुप 3 रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बुझि बुझि नै कारण तांकर इलेक्ट्रॉन फिगरेशन होजी ग्रुप थन NH2 NP1 तो तांकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होजी 2 1 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जगह मोर 3 रहउजी तो जेतु वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहउजी तो से जगह मोर ग्रुप नंबर 13 होबो जो जगह रे तमर हां जे किथि के कहू जकी ओके सो दिस इज जो जगह रे तमर लार्ज एनर्जी गैप आसीबो जो जगह रे तमर लार्ज एनर्जी गैप आसीबो से जगह रे तमर कौन हो आयनेशन पोटेंशियल अधिक हो बुझी पार्ला ना कि
बुझेला ना बुझेला नी एमता क्वेश्चन पछले करि परबो ना करि परबो नी ओके नेक्स्ट जो पिला माने कोठी की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी को जीबा अच्छा को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहले हमें कोन बुझीबा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी यस एनीवन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहले हमें कोन बुझीबा सर इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ना सर इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ अच्छा जिया तमे एटा तमे कहि देला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कथा बुझेला दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी तो पिलान सुनो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी कोन एन्थाल्पी माने पा एनर्जी एन्थाल्पी माने एनर्जी जेंदे हमें देखिले आयोनाइजेशन एन्थाल्पी माने एनर्जी से जगह रे तमे कोन करथुलो एनर्जी प्रोवाइड करथुलो गोटे इलेक्ट्रॉन को बाहर करबा पई ए जगह रे कोन होबो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होबो व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम जस्ट अपोजिट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी कोन एठी मन कर गोटे एटम रहला गैसियस एटम ताय गोटे कोन होबो ना इलेक्ट्रॉन गोटे रिसीव करबो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रे कोन हे जीवो आयन हे जीवो तो ये प्रोसेस रे मोर कोन होबो ना एनर्जी टा रिलीज होबो कोन होबो एनर्जी टा रिलीज होबो पिला माने इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी टा को हमर लगे डेल्टा एच ईजी सबस्क्रिप्ट रे ईजी बुझी हला तो गोटे आइसोलेटेड गैसियस एटम जेतो गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो से एनायन को कन्वर्ट हे जीवो एनायन को कन्वर्ट हे गले से जति के अमाउंट रो एनर्जी रिलीज करिवो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट कौन अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रे तमरो कोन होतला एनर्जी प्रोवाइड करिया पडुतला त कटायन करिया पई एठी कोन होबो ना तमको एनर्जी रिलीज करियो तमरो से जगह रे स्पेसिस्टा एनर्जी रिलीज करिवो जत तमे गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करइबो तो जस्ट अपोजिट से जगह रे जोटा तमे करुतला ए जगह तार रिवर्स ऑर्डर त नो ये भी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऊपर डिपेंड करिके करइबो रिवर्स ऑर्डर कह देले तमे सबला रिवर्स कर दबो बुझो सेम दिन हो ये भी सही सेम ट्रेंड देखइबो बट depends upon the electronic configuration like that of your ionization energy bujhi hala to gote jinsa idi khali koi doji pila mane to electron gain enthalpy e paribo negative paribo so delta h electron gain enthalpy jodi tamara positive hala then it will be endothermic eta abo tamara endothermic jodi eta positive hala then it will be exothermic okay आ जदी तमरा डेल्टा ए दीटा जे तमरा नेगेटिव हैला देन इट विल एक्सोथर्मिक एटा तो जानी छ थर्मोडायनामिक्स रे पढी दिबो इट विल एक्सोथर्मिक सो डेल्टा ए दीजी तमरा पॉजिटिव होबो एंडोथर्मिक पई नेगेटिव होबो का पई एक्सोथर्मिक पई अरे बुझी पाला ना बुझी पाला नी बुझियाला ना बुझियाला नी यस सर आ गोटे जिनस कहीदे पोटे जिनस पेद बुझी क्लास गौरव महांती लेफ्ट अच्छा पाठ पसंद आसाना अच्छा ठीक अच्छे देख जदि दबो टाइम ताले मु आधा घंटा लगे कि तमरे चैप्टर टा एंड कर देबी 15 मिनट भी माने 20 मिनट मते दरकार हबो देई परियो टाइम समस्ते यस सर ओके तो पिला माने गोटे मिनट खाली वेट करो बुझियो जे मु खाली गोटे तांकर कॉल आछि तमरे इंस्टिट्यूट तरफरु आंगटे कहि दिए तापरे हमें कंटिन्यू करबा 10:45 50 जाय कन्वर्ट करबा पूरा चैप्टर टा कंप्लीट कर दबा हला तमे जाय कि तमे तमरे एमसीक्यू करबो ठीक अछि टिके वेट करो खाली टिके कहि दिए स्टार्ट करे जे तरह पानी फांडी पिया गदा पी पुनी करिवा
पिला माने रेडी स्टार्ट करिबा यस सर ओके केतरा को मिलिवो 12 जण कि 13 जण पिला अछो केतरा हम सिलेक्शन मिलिवो गारंटी दबो को केतरा सिलेक्शन को माने बाबू जदे नै सिलेक्शन ए वर्ष सिलेक्शन बाजिला कॉन्फिडेंस ना नहीं रो कॉन्फिडेंस लागो जी तो ना कार कॉन्फिडेंस पाव नहीं यार होगी नहीं जानी बोलना कॉन्फिडेंस दर करना कॉन्फिडेंस है लवा पीला पाई जो जब पढ़ा तो हो तो मुगु काम तो मुगु करो ची बुझे हो जी ना नहीं क्वेश्चन है तो कॉस्ट आशी होनी क्वेश्चन है तो कॉस्ट आशी होनी पीला मने समस्त ओईवेट एंट्रेंस पे दोजो तो वर्तमान कारण सब तो एंट्रेंस तो सब सॉरी गलानी समस्त को जति पिला छ सब ओईवेट पे नहीं ऑल आर एस्पिरेंट ऑफ ओईवेट ओके ओईवेट रे क्वेश्चन है तो कष्ट आसे ने पिला माने ता हमें कोन पाइबानी तुम को ए लेवल ला पढा हो जे मु पर्टिकुलरली केमिस्ट्री कथा कहू छी ओके मु जो बेटा पढो जे तुम को दैट इज बेस्ड अपॉन योर जेईई मेन नीट ए सब एग्जाम भी तुम दे परियो ओईवेट तो हमर इजी क्वेश्चंस पकाए बुझियो जी ओईवेट रे एति के खाली डिफिकल्ट जे 200 क्वेश्चन को हमको 2 घंटा रे करिया को पड़े तो 2 घंटा होते हमर केते 120 मिनिट 120 मिनिट रे 120 टा क्वेश्चन हमें करि परिबा कथा किंतु हमको 200 क्वेश्चन 80 टा क्वेश्चन एक्स्ट्रा दउची तो हमको सही जगह रे टाइम टा टिके फैक्टर करे बुझियो जी तो खाली टाइमिंग के मैनेज करो आराम से बाजी जीवो किछि प्रॉब्लम नै बुझियो जी 130 40 पा आनले भलो कॉलेज पाइबो भलो ब्रांच पाइबो बुझियो जी किछि प्रॉब्लम नै देखो खाली टिके भलो 10 12 मार दरकार हो करियर मार्क टा को नै तो देखो कौन हमें कथा होतले जे डेल्टा एच टा नेगेटिव तो पिला माने डेल्टा एच नेगेटिव कहा पे होबो सॉरी एटा टिके पॉजिटिव बले देखा होला देखो एटा डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव तो डेल्टा एच नेगेटिव हमर कहा पे देखा जीव देखो सब कैटायन मान को पे डेल्टा नेगेटिव माने डेल्टा एच नेगेटिव माने कौन एनर्जी रिलीज होबो सो डेल्टा एच नेगेटिव फॉर ऑल कैटायन्स सब कैटायन्स मान को पे डेल्टा एच टा नेगेटिव मन कर एन ए प्लस अछि एन ए प्लस को मु गोटे इलेक्ट्रॉन देबी तैटा एन ए हबो तो से एनर्जी रिलीज करिवो सेकंड होची का पई हबो डेल्टा एच टा नेगेटिव आउ का पई हबो ना न्यूट्रल एटम्स पई ऑल न्यूट्रल एटम्स ऑल न्यूट्रल एटम्स लिखि दियो पिल्ला माने बहुत इंपोर्टेंट नॉट क्लास को फ्यूचर तमे जदि प्रिपरेशन भी जदि को जगह रे करलो एठी करो कि आउ को जगह रे करो तमे इच्छा बट ए काम तमको आसीबो ए सब पॉइंट बडा तमको काम लबो बुझियो छी सो डेल्टा एच नेगेटिव का पई हबो ऑल कैटायन्स पई आउ का पई हबो ऑल न्यूट्रल एटम्स पई जो मान सब न्यूट्रल एटम माने कर सोडियम कहली कि ऑक्सीजन कहली एडा जो सब न्यूट्रल एटम तो सेमानन को पई भी डेल्टा एच नेगेटिव हबो किंतु ऑल न्यूट्रल एटम्स पाखरे ओडा एक्सेप्शन अछि कोन ना एक्सेप्ट्स एक्सेप्ट कॉन्फिगरेशन having H2 and P6 configuration having H2 P6 hala pila mane jo jagah re tomar fulfilled achi already jodi tomar ghor ta full achi to tumhe agote electron dabo se jagah re kon delta S ta negative hobo tum upar ja mane ta ku force kari pasayu padibo tomar already P subshell re tomar 6 ta electron already achi ghor sab full achi तमे को जे म आ गोटे इलेक्ट्रॉन को से जगह पसेबी तो सेतिर कोन करिया पडियो वेरी हाई एनर्जी ऑफ टू प्रोवाइड ऑलरेडी त एटा पॉसिबल न हो किंतु जदी भी तमे हार्श कंडीशन को फॉलो करिलो ताले तमे बहुत अधिक अमाउंट रो एनर्जी प्रोवाइड करिया को पडियो पिला माने ना कि से जगह तमार एनर्जी ता रिलीज होबो एनर्जी तमे को दबा को पडियो बुझिलो ना नै तो जदी H2 P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जदी को एलिमेंट रो देइची ताले से जगह रे तमार डेल्टा एच ता नेगेटिव होबो नाही बुझेला ना नहीं अरे बुझी पालो यस सर ओके नेक्स्ट जीबा डेल्टा टा पॉजिटिव डेल्टा एच टा पॉजिटिव का पई हबो डेल्टा एच पॉजिटिव का पई हबो ऑल एनायन्स पई डेल्टा एच टा तमार पॉजिटिव मन करो सीएल माइनस अछि तो सीएल माइनस को मु आउट इलेक्ट्रॉन देकी ताकू सीएल माइनस 2 करैबी तो सेटा पे मते कोन करिये परिवो आ गोटे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करी पसेयाक पड़िबो क्लोरीन भितरे सेति पे मते अधिक एनर्जी देबाक पड़िबो सेति पे मोर डेल्टा एच टा पॉजिटिव एन्थाल्पी चेंज टा मोर एटी पॉजिटिव बुझियो जी आउ का पे पॉजिटिव हबो एबे जो कहली H2 आउ P6 जदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अछि ताल तमोर से जगह रे पॉजिटिव हबो
एस टू आज पी सिक्स अच्छी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जगह पॉजिट हम डेल्टा एस टा अरे लिखिपार समस्ते आसो समस्त को हाँ झी कह शुणी पारे कौन कह क्लीयरली कह अच्छा आउ थरे बुझिबा देखो डेल्टा एस टा पॉजिटिव हबो का पई ऑल अनाउंस मन पई डेल्टा एस पॉजिटिव रो अर्थ को एनर्जी मते कोन करिया पडिबो प्रोवाइड करिया पडिबो एनर्जी देले पॉजिटिव एनर्जी बाहरिले नेगेटिव तो डेल्टा एस जेतु पॉजिटिव ता माने मते एनर्जी दि देबा को पडिबो तो कोन हबो ऑल अनायन समस्त अनायन मन पई मते एनर्जी देबा को पडिबो ऑल अनायंस पई मते कोन करिया पडिबो एनर्जी प्रोवाइड करिया पडिबो बुझियो जिना नै सेकंड कोन जदी कॉन्फ़िगरेशन तमार एस टू एवं पिक्स अच्छी ताहले बद्यो तमको एनर्जी देबा को पडिबो ताहले जाईकी तमार से जगह रे डेल्टा एस टा पॉजिटिव हबो बुझियला ना नै जे बुझि पालो क्वेश्चन पचारीबा ओके मने करो ऑक्सीजन अच्छी ओ अच्छी ताको मते ओ माइनस करिवार अच्छी तो डेल्टा एस टा पॉजिटिव हबो ना नेगेटिव हबो नेगेटिव वेरी गुड थैंक यू सर न्यूट्रल एटम वेरी गुड न्यूट्रल किंतु बाबा न्यूट्रल सब बेला होबनी न्यूट्रल कोठी होबनी एस2 ओ पी6 पखरे होबो नाही तो चेक कर दबो होला एठी तो एस2 पी6 आसीओनी तो सेति में नो प्रॉब्लम वैलेंस सेल जेंति एस2 ओ जदी पी6 जदी नो आसे सेंति चेक कर दबो सो ओ2 दर नेगेटिव होबो एठी क्वेश्चन ए बेला पचला गोटे कोन क्वेश्चन पचार जे देखो जदी मन कर ओ प्लस अछि ओ प्लस अच्छी ताकु ओटे इलेक्ट्रॉन तो देलु सेटा तोर कन्वर्ट हला ओ माइनस टू ठीक करो देखो ठीक अच्छे कौन कहली ओ माइनस टाकु ओ माइनस टाकु तमु कन्वर्ट कर ओ टू माइनस को तो तुम डेल्टा स्टेट कौन हम यस कौन है जनरल क्वेश्चन ओ माइनस अच्छी ताकु ओ टू माइनस करे माने आ गोटे इलेक्ट्रॉन दबो तो ओ टू माइनस हबो तो डेल्टा एस टा कोन हबो पॉजिटिव अरे बस टाइम के नो जो टाइम में तमारी कोर्स पछे बाबा जते जल्दी कहिवो सेते जल्दी हमें आगु को जिबा फ्लोरीन फ्लोरीन को एफ माइनस करेबार अछि डेल्टा एस टा कोन हबो नेगेटिव वेरी गुड न्यूट्रल अछि अच्छा नियन अछि नियन नियन को मते नियन माइनस करबार अछि पॉजिटिव ना नेगेटिव हबो डेल्टा एस टा कोन हबो नियन अछि नियन को माइनस करबा कोन हबो पॉजिटिव ना नेगेटिव 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 केमिति काहे गेला भूल करलो आ कहिबार अर्थ कोन रहिला तम बा कहली तमे टी कॉन्फ़िगरेशन सब चेक कर दउथुओ एस2 आ पी6 पई हबोनी नेगेटिव न्यूट्रल हेले भी नेगेटिव हबोनी नियन टा नियन माइनस करजो आरे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रे वैलेंस सेल 6टा इलेक्ट्रॉन अछि NH2 NP6 यार बा वैलेंस सेल ऑलरेडी 6टा इलेक्ट्रॉन अछि तो तमे आ गोटे इलेक्ट्रॉन गाण गेटी पसेइबो तो तमको कोन करिया पडिबो एनर्जी दबाक पडिबो ना एनर्जी बाहरिबो सेटु रिलीज हबो हैं
एनर्जी बार हमर तुमको प्रोवाइड करिया पड़िबो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अछि NP6 कहिछि पा S2 और P6 को चेक करिवो सब बेले तो डेल्टा स्टेट तुमर पॉजिटिव होबो सिखिवो ना बुझैला ना बुझैला नी ओके नाउ कम्स टू पिला माने वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी बुझियो जी तो प्रथमे वेरिएशन ने चेक करिया कोन वेरिएशन अछि तो पिला माने प्रथमे देखो डाउन द ग्रुप रे कोन होबो ग्रुप रे देखिवा कोन होछि तो पिला माने ग्रुप रे कहि जे सेम कांसेप्ट पिला माने किछि चेंज नै जेड इफेक्टिव कांस्टेंट साइज इंक्रीजेस साइज त तमरो कोन होछि इंक्रीज करूछि तो डाउन द ग्रुप तमरो जोटा रहिला इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी बा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेटा कोन होबो decreases electron affinity decrease karibo bol se man rakho down the group electron affinity by electron gain enthalpy kon hobo decrease karibo kon karibo decrease karibo bujhela na nahi are bujhela na nahi yes sir exception achi एक्सेप्शन ए जगह रे एक्सेप्शन अछि एटा ला तमर जनरल ट्रेंड लेकिन एक्सेप्शन अछि एक्सेप्शन कोन गोटे देखौ जे देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप 17 को नेबी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भीतर हमर रिलेशन देखिबा एटा हो जे हमर ग्रुप 17 एटा ला हमर को ग्रुप ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दैट इज योर ग्रुप 17 त पिला माने एठी ऑर्डर ता कोन आसीबो जानिछो यार जनरल ऑर्डर कोन आबा कथा फ्लोरीन less than sorry amar kamibo pa down the group kamibo so fluorine more chlorine then bromine then iodine ei order ta asia kotha na nai fluorine then bromine then iodine kintu hobo kono chlorine ta agu ku chali asibo fluorine agu ku then asibo tamara bromine then asibo tamara iodine chlorine bromine iodine ei bole order asibo pila mane bhalre mon rakta थर्ड पीरियड रो एलिमेंट रो सब बेले इलेक्ट्रॉन गेन एंथाल्पी टा सेकंड पीरियड रो एलिमेंट टू अधिक रहइबो तो एडी सेकंड पीरियड रो एलिमेंट हला कि फ्लोरीन थर्ड पीरियड रो एलिमेंट हला क्लोरीन तो क्लोरीन रो सब बेले अधिक रहइबो देन दैट ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट काई कि सर अधिक रहइबो कारण पिला माने हला तमरो जेहेतु फ्लोरीन टा एकरे स्मॉल साइज छोटो साइज अछि तो जेहेतु छोटो साइज तुम आउ गोटे इलेक्ट्रोन आठ रखुच तो तुम इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन भितर रिपल्सन टाइम अधिक रही बुझी तो से कौन हम ना सी आउ गए चाहिए आउ गए इलेक्ट्रोन आसू बुझी तो से क्लोरीन अधिक हो जाए फ्लोरीन कमी जाए बुझी सो दिस इज द राइट ऑर्डर क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन सो क्लोरीन फ्लोरीन अपेक्षा इलेक्ट्रोन एफिनिटी बा इलेक्ट्रोन गेन एंथाल्पी अधिक आसीबो के बुझी पालानी के बुझी पालानी करे बुझी पालू तो कई किछि कहू नांदी अरे पिला ने पढेबा तो ना बोर हे गलोनी यस सर गोटे पिला से तार कहू जे आ समस्त साइलेंट ठीक अछि देखो ओके आ गोटे होस तमरा ग्रुप 16 ग्रुप 16 ग्रुप 16 ना देखो सही जगह रे भी वेरिएशन अछि ग्रुप 16 ने सही जगह रे देखिबा ग्रुप 16 एलिमेंट मोर के रहला ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पिला माने यार करेक्ट ऑर्डर होची सल्फर मोर देन सेलेनियम मोर देन टेलुरियम लाकू पळेबो ऑक्सीजन कारण होची सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउ किछ नो जेंसन नाही सबुट अधिक आसीबो सल्फर तापर सेलेनियम तापर टेलुरियम तापर ऑक्सीजन पिला माने एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार कहूची क्वेश्चन एउडा ही आसीबो नॉर्मल तुमको से केबे पचारिबो नी एगुडा ही पचारिबो सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऑक्सीजन लास्ट को ऑक्सीजन आसीबो फास्ट तमार सल्फर आसीबो या विषय रे अधिका डिस्कस टे करिबा जतळ मु इनऑर्गेनिक ता तमार कवर कर देबी से जगह रे इनऑर्गेनिक ता कवर कला बेले ए जिंसडा काई गो से जाटी अधिया कहि दबा जदि टाइम मिले बुझियौ छी त पिला माने एति खाली ऑर्डर ता मन रख डायरेक्ट ऑर्डर आसले एटा मन रख दिथु एटा टिक कर दबो बुझियाला सल्फर अधिका देन सेलेनियम देन टेलुरियम देन ऑक्सीजन देन पिला माने आउटे देखो फास्फोरस रो नाइट्रोजन टू अधिका हबो
सिलिकॉन टू अधिक हम फॉस्फोरस रो नाइट्रोजन टू अधिक हम कार्बन रो सिलिकॉन टू अधिक हम कौन अधिक हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बा डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बुझेला फॉस्फोरस रो नाइट्रोजन टू अधिक हम कार्बन रो सिलिकॉन टू अधिक हम मन रख एगुड़ा सब बुझेला ना बुझेलानी कौन हुए तम जेड इफेक्टिव इनक्रीज करे साइज ना डिक्रीज करे बुझे तो से तुम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टा इनक्रीज कर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टा बा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी टा इनक्रीज करिवो अलोंग द पीरियड पीरियड अलोंग रे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनक्रीज करिवो कोन करिवो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनक्रीज करिवो बुझियाला ओके सो ये रहिला तमरो ऑर्डर आउ कोन कहिबा ए सब जिंस बथे ऑल कवर हला ठीक अछि हां दैट थिंग दैट मच आ जदी किछ एक्स्ट्रा जिंस मो पाए ताले मो क्लास अन्य चैप्टर पढेला बेली कहि देबी हला जदी कोडी एक्स्ट्रा जिंस मो जदी कहिया चाहिबी क्वेश्चन जदी आसीला ताले कहि देबा कि जदी तमे जदी कोडा जदी एक्स्ट्रा पाइलो क्वेश्चन कला बेले मो पाको नै गेसिबो डिस्कस करिबा हला नेक्स्ट पिला माने होची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जेमदी से जिहटी हमर कहुथला जे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होची कोन टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द इटसेल्फ माने कर एठी मोर ए रहिला एठी मोर बी रहिला एमानंग भितरे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एज एमानंग भितरे मोर इलेक्ट्रॉन एटी शेयरिंग एज बुझियाला तो मन कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थ होउची जे को एटम रो पावर केते टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मन कर एटाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मन कर एटा कोन करूची ए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टा निज आड़ को अधिक अट्रैक्ट करूची तो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भलो से मन रख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थ होउची टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared electron pair towards itself bujhiyo ji are bujhela na nahi it is particularly applicable for covalent bond only ei concept ta tame kevalo covalent bond re apply karibo aru kono jagare etara avashyakta eta nahi okay so it is only applicable for your covalent bond okay it is only applicable for your covalent bond bujhela na bujhela ni yes sir ओके तो एथरे आउ किछ वेरिएशन पिला माने तो देखा जाय नी बुझियो जेटा भी सेम दी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and valency electron bujhela so this is your electronegativity ro kemi tame order bar karibo seti pai just force of attraction same thing directly proportional to your z effective inversely proportional to size directly proportional to stable electronic configuration agur jemdi koithili eidi bi same karibo kichhi baba nua jinsa na bujhela ki आ गोटे पिला माने मन रख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एटा मु बॉन्डिंग पढेला बेले आउरी क्लियर हम माने नेक्स्ट तो बॉन्डिंग पढाओ कालीठू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ता माने पिला माने कोन हाइब्रिडाइजेशन जो मानकर कांसेप्ट क्लियर थिवो देखि थिवो एसपी आसे एसपी2 आसे एसपी3 आसे एबोले आसे तो पिला माने एसपी रे मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर केतो हबो 50% एसपी2 रे केतो हबो को एसपी2 रे मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर केतो हबो अच्छा मते को एस रे एसपी2 रे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एसपी3 अपेक्षा कम हबो ना अधिक हबो माने एस आउ पी भितरे परसेंटेज ऑफ एस केता आसीबार चांस अछि 50% एइट सेम दी एस आसीबार चांस केता अछि 1/3 × 100 करू न 1
जेतु s गोटे अछि एवं टोटल अछि मोर 3 टा s गोटे p 3 टा सो 1/3 into 100 केता आसीबो देखिलु 100/3 33.3 ओके 33% धरि दे 33% अच्छा sp3 रे केता आसीबो देखिलु sp3 रे केता आसीला इठे हमरो 1/4 into 100 केते 25% 25 बुझियला ना नै हला तो केता हो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जते परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अधिक रहबो सेते तमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक रहबो तो जो बॉन्डिंग मोर एसपी थिवो सेठी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक आसीबो देन दैट ऑफ योर sp2 देन दैट ऑफ योर sp3 sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3 क्लियर एवरीवन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एतरे किछ एते एक्सेप्शन नाही जदि एक्सेप्शन थिवो ताले ग्रुप पढेला बेले सेठ तमो कहि देबी किंतु एथरे पर्टिकुलरली एते किछ एक्सेप्शन देखा जाय नाही जे तमे कोडी क्वेश्चन कला किछ पाइलो नै केसे मो से कांसेप्ट रे डिस्कस करिवा हला अच्छा आ गुडे जिंस खाली जानो जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जदि जीरो रहिला बुझियो जे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोजी जदि मन कर दीटा एटम अछि ए ओ बी जदि यार इलेक्ट्रॉन जदि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी हला ताले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हे जो केते जीरो जदि एक्स ए टा एक्स बी सहित समान हला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हे गला ताले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस केते हे जो जीरो ताले सेटो को हमर कोआ जाय नॉन पोलर कोन कोआ जाय नॉन पोलर कंपाउंड सिमिलरली जदि तमार ए पॉजिटिव हला जदि एक्स ए माइनस एक्स बी जदि तमार पॉजिटिव हला माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो यदि पॉजिटिव आसला ताल तक कोआ जाय पोलर कोन जाय पोलर के बुझी पालानी जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि जीरो आसला ताले नॉन पोलर जदि पॉजिटिव आसला ताल हो सेटा पोलर बुझियाला यस सर सिमिलरली जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्स ए माइनस एक्स बी जदि 1.7 आसला जदि 1.7 आसला ताले सेटा कोन हो 50% covalent, 50% covalent character देखेवो, और 50% ionic character देखेवो. 50% covalent, 50% ionic. कितने आसले? कितने आसले? 1.7. जोधी तमरा सेटा x a minus x b टा, जोधी electronegativity difference टा, जोधी 1.7 रो अधिको आसला, ताहले mostly ionic. mostly compound ta ionic compound hobo jodi electronegativity difference 1.7 ru adhik ase tale compound ta mostly ionic hobo jodi seta 1.7 ru kom ase tale mostly seta covalent hobo ke bujhi palani asibo samastangu sir asibo okay so at last your total chapter is completed आ गोटे जिनस पिला माने देखै दउ जी तमरा एटा नोट रे तरी पढेला रोट गेरो गोटे जिनस रो अछि समय निजे रखि दो एटा कि फार्मूला डायरेक्ट मन रखि क्वेश्चन करो आ टाइम नियो ना एथि तमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाउ देइनी हला आ जो जिनस ओडा पिला माने एट सब दिलार ग्रुप पढेला बेला ओडा पढा दिबो आ जदि तमे पारुछ निजे उठू टिके देखि नबो जोडा डाउट रहबो मते पर्टिकुलर जतल मु इनऑर्गेनिक रे तमरो ग्रुप आ पीरियड्स गुडा पढेबी डी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक सेतल आमे डिस्कस करिबा बुझियाला सेटा पाखा पाखी दीटा क्लासेस सरी जिवो बुझियो छी अब हम टिके टिके दे दो आईडिया इनऑर्गेनिक ऊपर जेमदि क्वेश्चन गुडा जोडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जेमदि करि परिबो बुझि पाला समस्ते नोट्स टा मु शेयर कर देबी समस्त एटा पढी के आसीबो के बुझि पाला नि कुओ पीरियडिक क्लासिफिकेशन कॉन्फिडेंट तो क्वेश्चन एबे देले करि परिबो त एमसीक्यू अटेंड करि परिबो यस सर तमो काम रहिला